भाई लेता जा रही हूँ मैं। नमस्कार सम्राट जी। नमस्कार भाई साहब। किस मुद्दे पे वैसे आज की स्पेस? भाई मेरे से गलती हो गई भाई, तो उसके लिए मैं माफी मांगने आया हूँ। अरे आपसे क्या गलती हुई सम्राट भाई? भाई मैं यार थोड़ा ऐसे ही आदमी हूँ यार, एक के बाद एक गलतियां करता जाता हूँ और सीखता नहीं हूँ उनसे। मेरे को तो क्या है जो मेरी हो गई मीट को जोड़ता भी बस है, कौन टीवी देख रही है भाई ये? हेलो सम्राट भाई। हाँ भाई टीवी देख रहे हो क्या? अरे नहीं नहीं अब मैं साइड में आ गया। सम्राट भाई टीवी देख रहे हो भाई तुम नहीं केबीसी? नहीं नहीं मैं कुछ भी नहीं देख रहा। पहले सम्राट भाई आप मेरी बात सुनो। सुनाओ भाई सुनाओ। मैं हूँ राजस्थान से, इटली में रहता हूँ, यूरोप में, नीदरलैंड में। सुनो भाई मेरी मेरे बात, पास मैं तो आपका पढ़ाई बहुत बड़ा थोड़ा फैन भाई था, लेकिन यार पास दोस्ती में गद्दारी नहीं करनी चाहिए थी आपको भाई मैंने कर दी भाई, अब क्या करोगे आप आगे यार। यार बताओ। हम बहुत मैं बहुत बहुत ए बड़ा फैन सम्राट था, भाई मैं टेंशन मत लो। आपका हर सम्राट सीन। भैया हाँ भाई हाँ वो कोस्ट वाला देना मुझे एक बार। हाँ एक सेकंड हेलो कर भाई दिया, आगे बताओ यार, फिर। ये चल यार, इतना अच्छा नाइस पर्सन था तो यार ये कैसे कर दिया यार, यही समझ में नहीं आ रहा है तो भाई मैंने बोला तो कर तो दिया, फिर आगे यार। बताओ। तो नाइस पर्सन भी होके यार, क्यों कर दिया मतलब ऐसा मध्य प्रदेश वाले बड़ा? यार इतने जेनुअन पर्सन होते हैं, हिंदुत्व के लिए लड़ते हैं, हम लोग भी लड़ते हैं हिंदुत्व। अच्छा हाँ फिर बोलो। आगे। एक्सेप्ट नहीं किया था वो, मतलब अब क्या बताएं यार। अरे मैं तो कह तो रहा अब हूँ कर दिया, आगे क्या, आगे का तो बताओ। इन्होंने भाई तो अभी यार भी कुछ नहीं भी भाई, नहीं अभी हो भी सकता, नहीं लेकिन भाई, आपके अगर आप चुनाव लड़ोगे ना कभी लाइफ में। अभी भी नहीं भाई। सुनो ना, शांत रहो ना, पहले बात सुनो भाई। मैं भी राजस्थान से हूँ, आपके साथ हूँ भाई, मेरी बात सुनो पहले। पहले हाँ शांत हो के मेरी बात सुनो। इन्होंने हिंदुओं के खिलाफ क्या किया वो बताओ पहले। मैं भी कोस्ट में हूँ, मैं एक्सपोज करना चाहता हूँ सम्राट भाई को। एक एक बात करते हैं। इन्होंने जो चल, हिंदुओं के साथ गद्दारी करी पहले वो एक्सप्लेन करो। नहीं हिंदुओं के साथ इन्होंने कुछ भी नहीं किया। मैं मानता हूँ कि एलविस यादव कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत गलत हो सकता है, हम उसके मतलब हमें पसंद थे दोनों, और एलविस यादव के थ्रू ही मैं इनको फॉलोवर्स फॉलो करने लगा। लेकिन बात पता है कहाँ पे हुई, कि चलो ठीक है अपना कोई दोस्त अगर गलत है ना, मैं बस इतनी सी चीज पे थोड़ा सा मेरे को लगा, अगर यार कई बार अपने दोस्त गलत हो जाते हैं तो फिर भी अपन लोग है ना, हम वैसे मेरा दोस्त अगर बिल्कुल गलत है ना, बिल्कुल गलत, मैं राजपूत हूँ, लो उसके साथ रहेंगे हम तो। भाई क्या मैं बोल भाई, रहे हो भाई? वापस बोलना भाई, आवाज कट गई थी। तुम राजपूत हो इतनी सुना था मैंने, वापस बोलना आप भाई। मैं राजपूत हूं, और अगर मेरा कोई दोस्त गलत भी होता ना, मैं उसके साथ रहता जिंदगी भर, अगर मेरा दोस्त है तो तो भाई मैंने तुम अच्छे गलती कर दोस्त नहीं दी? हो फिर। नहीं, हाँ एक सेकंड बिल्कुल, बताओ। और ये बंदा सही हो सकता है सम्राट भाई, मतलब हिंदुत्व के लिए सही हो सकता है, लेकिन इस जगह पे आके सही नहीं है, हाँ तो क्यों? क्योंकि मुझे एलविस के बारे अभिमन्यु में यार इतना भाई, अच्छा दोस्त समझ रहे थे हम लोग, और अरे मैं चूतिया मुझे सुन मेरी बात, नॉर्मली। पहले सुन हाँ क्या गलत भाई किया मैंने ये एक्सप्लेन कर। पहले पंचायत मत करा आगेगी। क्या आपके ट्वीट देखते ही हम लोग यार, ट्वीट नॉर्मल में सी क्या बात है, क्या है बता, क्या है ट्वीट में, है क्या है यार, हर चीज में ऑपोजिट में। अब बंदे को जरूरत थी या उसको एलविस तो यादव क्या को, क्या तो करता मैं, क्या थोड़ा करता? यार सपोर्ट करना चाहिए इस चीज में, बस मैं तो यही नहीं बोल करना रहा हूँ। मुझे, अगर मैं उसको हाँ नहीं सपोर्ट करूं तो करना रैंडम ना, से लड़ाई ले लूं, है ना? मतलब दोनों दोस्त हैं कौन मेरे तो। है वो रैंडम, और तो रैंडम कौन सुन, है क्या बताओ पहले, दोस्त हम है तो मेरा, जानते ही नहीं उसको, दोस्त हम है तो मेरा, जानते ही तू नहीं नहीं जानता उसको। मेरी क्या गलती उसमें? दोस्त एलविस यादव भी तो दोस्त है तो ना, एलविस लक्की यादव को मैंने चौधरी फोन नहीं एलविस, करा, और तुझे आपको पता है, कहाँ मुझे फोन पता है, करी तुझे पता है, है? मुझे पता है कि एलविस को और रैंडम को मैंने फोन कराया कि नहीं करा, दोनों को कॉन्फ्रेंस करा के बात कराई है कि नहीं, तुझे चलो पता है, ठीक मुझे है, पता तो है। कई अबे बार कई बार अपने दो दोस्त लड़ते हैं ना, तो अपने को मतलब मैटर है ना, तो अंदरूनी चीज चूतिए सॉल्व है करना बोल तो चाहिए। बोल रहा हूं, मैंने दोनों को कॉल करके समझाया कि नहीं समझाया, कॉन्फ्रेंस कराई कि नहीं कराई, तुझे पता है, मुझे पता है। तो करवानी चाहिए, तो रैंडम को समझना चाहिए, अगर हाँ तो कोई जाके बंदा रैंडम अगर को समझा मुसीबत उसके में है ना। स्पेस में। हाँ तो अब आपसे जो और सिखाई थी तेरे वो को लग रहा है बोलूँ, कि एलविश किसको मेरा बोलूँ अब? दुश्मन है तो एलविश को बोल के अनफॉलो करे, मेरे से लड़े। अरे म्यूट मत करो यार, एक सेकेंड, सॉरी म्यूट करा उसके लिए। अगर हाँ कोई बात नहीं, हम लड़ तो सम्राट फैन तो भाई आपके भी है, आपको फैन तो हम एक्सप्लेन आपके भी कैसे है करनी भाई, है किसी सुन सुन भाई, के? सम्राट भाई फैन तो हम आपके भी हैं, लेकिन मैं मतलब थोड़ा हाँ सा वो हुआ ना, मैं आपसे मतलब बात करना चाह रहा था, और आज आप आ गए, अच्छा लगा, आपने मेरे से बात भी की, लेकिन थोड़ा सा लगा यार दोस्ती यारी में थोड़ा बहुत क्या चलता दोस्ती रहता यारी, वही तेरे से मैं एक्सप्लेनेशन चाह रहा हूँ है। सम्राट जी। भाई, आप स्पोक्स पर्सन कब से बन गए?
वही तो मैं समझ नहीं पा रहा, मेरे को वही नहीं, मेरे को ये नहीं समझ में आता। एक तो ये जो रैंडम वाली लड़ाई भी बची है ना, ये सिर्फ ये फैन क्लब की वजह से बची है। आदमी, अब मैंने एक रील लाइक कर दी जिसमें एलविश का बिल्कुल मजाक सही बात होगा, बोली समर भाई। ठीक है, एलविश का एक मजाक होगा, मैंने वो रील लाइक कर दी। अब वो आ गया, मेंशन करना शुरू कर दिया स्टोरी में, भाई तुम एंटी हो। अरे मेरा इंस्टाग्राम है यार, मैं कुछ भी लाइक करूं, कुछ भी कुछ करूं, अब कल फिर परसों आप दोस्त मत देखेंगे। बोलो ना एल्विस को, फिर आप अरे दोस्त मत क्या बोलो भाई। चूतिया आदमी है भाई, अब एल्विश को प्रॉब्लम नहीं है, तुझे क्या प्रॉब्लम हो रही है? अरे प्रॉब्लम तो मेरे को भी नहीं है कुछ है। वो तो देखो नॉर्मल सी बात है, प्रॉब्लम तो तो मेरे को भाई भी नहीं, तेरा प्रॉब्लम चला क्यों रहा लेकिन है? यार एक तुझे मिनट, क्या प्रॉब्लम एक है? देखिए अगर अगर हम, अरे मेरे भाई जिसके लिए चले लड़ रहा है चिल्ला उसे का प्रॉब्लम बंद नहीं है, तो तुझे क्या प्रॉब्लम है? कर, चिल्ला का मेरे को बंद कोई कर। प्रॉब्लम नहीं है, मैं तो बस आपको सजेस्ट कर रहा हूँ, या तो दोस्ती अरे करो मेरे मतलब। कह रहा हूँ जिस आदमी के लिए तू लड़ने आया है उसे प्रॉब्लम नहीं एक है वो तो। जो फ्रेंडशिप होती है ना उसको, अरे मेरे भाई जिससे, जिसकी दोस्ती की मिसाल दे रहा है, जिसके बारे में बात कर रहा है, उसे प्रॉब्लम नहीं है तो तुझे क्यों प्रॉब्लम है? ए प्रॉब्लम मेरे को कुछ भी नहीं है, लेकिन आप जो दो और तीन तुम्हें सीन्स क्या ऐसे। लगता है जो मैं लाइक करता हूँ वो एलविश को भेजता है स्क्रीनशॉट? अब ये तुम्हें भी प्रूफ करना पड़ेगा तो खैर शर्म की बात है, ठीक है। मैं कितनी डैंकनेस चूतता हूँ और कितनी मैं करता हूँ आपस में ये मैं जानता हूँ। मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा कि एलविश, अगर मेरे को एलविश को प्रॉब्लम होती तो भी मैं समझता, उसको सुन प्रॉब्लम भाई, नहीं है, मैं मुझे आपको प्रॉब्लम पता है नहीं क्यों है, बोल तुझे रहा हूं, जबरन सुनो प्रॉब्लम सुनो, हो रही है। हैं ये ये पहले मेरी इसको बात सुनोगे बोलो। आप? 2 मिनट मेरी बात अरे सुनो, नहीं, अरे नहीं, वो सुनेंगे। तू पहले शांत रह, धीरे मैं तो बोल, शांत हूं, मैं धीरे शांत हूं बोल, भाई, धीरे बोल। मैं धीरे ही बोल रहा हूं, मेरी आवाज ऐसी है भाई, चल मैं ऐसे ही ठीक है, बोलता फिर हूं। ठीक है, यहाँ पे दो मिनट कमेंट सम्राट कर भाई, आपको ऐसा रिस्पेक्ट कर, से बोल फिर रहा हूं, ऐसा दो मिनट कर नहीं, ऐसा कर कमेंट कर, मैं रीड करके देख लूंगा, जो आराम से बोलेगा बात करेंगे। बाइक किसको ले लिया भाई? अरे यार उल्टी बात मेरे को वही नहीं समझ में आ रहा वीर भाई, जब अरे मैं समझ, सम्राट भाई, पूरे देखो राजस्थान को रिप्रेजेंट खाली मैं ही करता हूँ, ठीक है? तो राजस्थान से रिलेटेड कोई बात हो मुझसे कर लिया करो डीएम। देखो देखो ना, ये जो इस वॉइस में आके बोलते हैं कि हम आपके बहुत बड़े फैन हैं, तो या तो ये झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि अगर ये फैन है तो इन्हें पता है कि आप कितनी स्पेस में सार्कास्टिक वे में आप जोक मारते हो, कितने आप एलवी से जुड़े हो, कितने रैंडम बॉय से जुड़े हो, सबको पता है, जो अगर आपको सब्सक्राइब कर रखा है बहुत दिनों से देख रहा है, जैसे मैं देख रहा हूँ, मुझे पता है कैसे कैसे जोक वीर भाई पे मारे मतलब स्पेस में। तो ये ना, ये बस स्पेस में आके बोलते हैं कि मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, ये सब जितना दुखले कदम सम्राट बोलना। भाई ने लक्ष्य चौधरी को रोस्ट किया, उससे अगर हम कहें तो लक्ष्य चौधरी को तो अरे हाँ ना, गुड वही हमने देखा देना है, प्रॉब्लम चाहिए। वही है, देखो मैं क्या समझा रहा हूँ, मैं अभी वही बता रहा था, मैंने एक मीम लाइक करा, ठीक है, और मैंने एल्विस को भी भेज रखा है वही वाला जिसमें वो रैंडम से अलग हो जाता है, मैक्सचन रैंडम को गोली मार देता है, ऐसा एक मीम था, वो मैंने लाइक करा और वो मैंने भेज दिया एल्विस को डीएम में, वो भी असरा, ठीक है। अब उसके बाद उसके एक कोई होगा, उसका कोई अकाउंट चलाता होगा फैन पेज जो भी रहा हो, वो मुझे मेंशन किए जा रहा, ये दोस्ती दिखा दी, ये कर दिया। भाई मैं जिस बंदे के मतलब दोस्त जो हमें प्रैक्टिकली हमें प्रॉब्लम नहीं है पर इनको प्रॉब्लम होती है, तुमने ये नहीं किया, तुमने वो नहीं किया। आओ एडी भाई तुम भी आ जाओ यार, तुम भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख लो। अमित भाई प्लीज, आप कोई जातिवादी बात मत करना, आपसे वैसे भी डर लगता है। नहीं देखो भाई, मैं यादवों के डे वन से सपोर्ट में हूँ, चाहे वो एलविश भाई हो या मोहन यादव हो, ठीक है। भाईचारा ऑन टॉप, बात खत्म। हाँ ठीक है, मैं मतलब दिल से प्यार करता हूँ भाई यादवों से। पता सम्राट भैया, मैंने एनसीआर में रहने के लिए सबसे बड़ी सेफ्टी गियर क्या रखी थी? अमित को अपना दोस्त बना लिया। नहीं भाई देखो, तीन चार लोगों से मैं कोई बुराई नहीं है, जाट गुजर यादव, भाई ठीक है। आपसे एक क्वेश्चन पूछना था, पूछिए पूछिए। बीरबल की खिचड़ी कब पकेगी? पता नहीं यार, वो भी अब करवा दूंगा यार, पता मतलब वो खत्म करवाएंगे ये मैटर भी, क्योंकि अब मतलब मैं सब टॉक्सिक हुए जा रहा है इसके आदमी उसको, मेन बात ये है कि साला लड़ हिंदू ही रहा है आपस में, प्रॉब्लम मुझे बस इतनी है और कोई दिक्कत नहीं है। वही बात है, मुन्नावर तो आराम से पॉपकॉर्न वही खा रहा है, वही उसको वही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक मुल्ले के चक्कर में लड़ाई हिंदुओं की हो रही है, तो मैं यही कोशिश करूंगा कि अब खत्म करे इसको भी। अब आज तो उनका भाईचारा था तो मैंने फोन नहीं किया एलविश को, कल करूंगा, कल करेंगे बात इसमें, सिस्टम पे क्या रहेगा।